आ जाएंगे साथ। तो हमारा बेटा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने निर्णय कुछ नहीं है। सारे देश से घूम आए वो, सब जगह से लौटा दिया लोग, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हमारा बेटा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने निर्णय कुछ नहीं है। सारे देश से घूम आए वो, सब जगह से लौटा दिया लोग, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हमारा बेटा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने निर्णय कुछ नहीं है। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि जो रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो, और फिर दो सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए, और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उनी कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी एक सप्ताह के बाद डॉक्टर जब आपको, हाँ पूछ रहे हैं, सब पूछ के काम करेंगे। अभी आप ठीक हैं? हाँ सर, देश में बहुत माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को दुआ करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़ो ना भाई। ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि जो रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो, ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। इस पर युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जातीय जनगणना ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं कराती है जेडीयू बीजेपी तो हम कोई दूसरा जनगणना नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं जाएंगे। परशुराम जयंती के मौके पर कल तेजस्वी यादव गए थे, आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ना, परशुराम जयंती में गए, सब लोग बुलाए, आदर किए। क्या कहेंगे दोनों? चाहते हैं कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए? ऐसा कोई बात अभी नहीं। तेज प्रताप ने कहा था कि उनकी बात हो गई आपसे, आप बहुत जल्द आ जाएंगे साथ। तो हमारा बेटा है, हमने निर्णय कुछ नहीं है। नीतीश कुमार क्या फिर साथ आ सकते हैं? ठीक है ओके, अब जाइए हो गया। एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर राजनीति में आ रहे हैं, उम्मीद है? सारे देश से घूम आए वो, सब जगह से लौटा दिया लोग, वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा।